गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक आज का चल रहा था टॉपिक अकाउंटिंग क्वेश्चन। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा था टॉपिक, ठीक है। साहब 20 ट्रांजेक्शन वो डिस्कस कर लिए थे, 20 ट्रांजेक्शन वो डिस्कस कर लिए थे, क्लियर। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस 20 ट्रांजेक्शन। पूरे 20 का एक बार रिविजन करेंगे और फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट हम बोलते चलेंगे, देखते हैं रिवीजन करते, क्लियर। अब फिर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अकाउंटिंग क्वेश्चन। सर क्या क्या अभी तक ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर लिए थे, थोड़ा देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है साहब जी, ये देखो, ये हम लोग का अकाउंटिंग क्वेश्चन। मैथ में बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे, आज पढ़िए अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या था हम लोग का, कुछ ऐसा साहब, कुछ ऐसा। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, इक्वल टू एसेट्स, समझ लीजिए। यानी जो भी एसेट्स आपके पास है वो कहां से आया होगा, वो खुद पाप पैसा लगाए होंगे तो बोलेंगे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। मेरा एसेट्स मेरा कैपिटल से, मेरा एसेट्स मेरा कैपिटल से। सब हो सकता है वो एसेट्स को आप बैंक से फाइनेंस करवाए हो, तो साहब मेरा एसेट्स बैंक के फाइनेंस से मतलब लाइबिलिटी से। चाहे ये भी हो सकता है कि कुछ अपना पैसा डाउन पेमेंट कर किए हो और बचा पैसा बैंक से आप लोन लेके उस एसेट्स को करते हैं, तो मेरा एसेट्स अपना पैसा से और बैंक का लोन से, बैंक से फाइनेंस करवाए, राइट। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन हुआ हम लोग का। हाँ सर, बढ़िया। अब आगे चलते हैं दोस्त, क्लियर। अभी एक ट्रांजेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन, राइट। नाउ सी, एक ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सोनी सिंह गुड मॉर्निंग, एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर वन, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो साहब कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स में क्या आया कैश आया, तो एसेट्स में प्लस कर दिए कैश। और कहां से आया कैपिटल से आया, तो कैपिटल में दिखा दिए सेम अमाउंट, दोनों इक्वेशन हमारा बराबर है। परचेज गुड्स फॉर कैश, हम गुड्स परचेज किए, तो जो गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे पास स्टॉक आया, एसेट्स में स्टॉक बढ़ जाएगा और साथ ही साथ एसेट्स में कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एसेट्स में कैश माइनस हो जाएगा, क्लियर। कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। सोल गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर 22,000, सामान बेच कितना कर रहे हैं 22,000 का, एसेट्स में आपका स्टॉक चला गया 20,000 का, बेचे कितना में 22, तो प्लस कर दिए कैश में 22, एक्स्ट्रा कितना आया 2,000, वो कैपिटल में प्रॉफिट बोलकर ऐड कर दिए, लॉस होगा माइनस कर देंगे। पेड सैलरी, सैलरी पेड किए, पेड रेंट, पेड वेजेस, पेड कमीशन, हम पेड कर रहे हैं साहब जी, क्लियर। पेड किए
तो एसिड से हमारा कैश माइनस हो गया, डिक्रीज कर गया। और पेट के सर्विस के लिए आपको सर्विस आया, जब जी अमाउंट आप पेड करोगे फॉर सर्विस पर्पस, इट इज कॉल्ड एक्सपेंस, कैपिटल माइनस हो जाएगा। यानी कैपिटल माइनस और कैश माइनस, कैपिटल माइनस और कैश माइनस। रिसीव कमीशन, कैश प्लस कैपिटल प्लस। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश माइनस कैपिटल माइनस। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश प्लस बैंक माइनस, एसेट में प्लस एसेट में माइनस। परचेज मशीनरी, कैश माइनस एसेट्स में कैश माइनस, एसेट्स में मशीनरी प्लस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एसेट्स में मशीनरी माइनस, और डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, कैपिटल माइनस। डन। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू टेक वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा हम लोग को। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर क्वेश्चन को बनाएंगे, राइट? चलिए आगे देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सिखाते हैं। हां, एक छोटा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बना ले चैप्टर फिनिश, ये छोटा क्वेश्चन है शुरुआत के लिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले सीखते हैं, हम सीखते हैं क्वेश्चन को। राइट, क्वेश्चन लेते हैं साहब, सीखिएगा। साहब जी, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू कर रहे ना, तो ये देखो बिजनेस शुरू करेंगे, कैपिटल मेरा अपना पैसा है, कैपिटल प्लस हो जाएगा, कैपिटल ये देखो दोस्त, कैपिटल प्लस एसेट्स प्लस हो गया, सिंपल। आगे चलते हैं दोस्त, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे हैं कैश से ना, तो ये देखो साहब कैश से खरीदे हैं, एसेट्स माइनस एसेट्स प्लस। परचेज गुड फॉर कैश सेम, एसेट्स माइनस एसेट्स प्लस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदे हैं, लाइबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस। रेंट पेड, रेंट पेड कर रहे हैं, कैपिटल माइनस एसेट्स माइनस। गुड सोल्ड 40,000 एट प्रॉफिट ऑफ 20%। साहब जी इधर देखो, कैपिटल प्लस एसेट्स माइनस एसेट्स प्लस, क्लियर? अभी क्वेश्चन को बना के देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। आइए साहब, चले देखो। अब एक और बात, आप क्वेश्चन को दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। अभी सीखने के लिए हम सिंपल मेथड बनाएंगे, फिर एक क्वेश्चन एनालिटिकल मेथड का बनाएंगे। आज सिंपल मेथड से देखो, कल एनालिटिकल मेथड से देखो, अच्छे से देखना, राइट? हां सर, ठीक है, बताइए सर। ये देखो ऊपर लिख देना, ऊपर लिख देना स्टेटमेंट, इन द बुक्स ऑफ दिया है तो लिखिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट है ये, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग है।
साहब स्टेटमेंट सोइंग स्टेटमेंट सोइंग इफेक्ट स्टेटमेंट सोइंग इफेक्ट ऑन अकाउंट इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन सर क्या इफेक्ट है बताइए चलो बताते हैं क्या इफेक्ट है ऐसे कर दिए साहब जी ऐसे कर दिए क्लियर हां सर ठीक है देखो सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन यहां लिख दीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू व्हाट एसेट्स और ये सारा चीज इन रुपीज में है तो इन रुपीज कर दीजिए क्लियर सीखे ये देखो ट्रांजैक्शन नंबर वन यहां लिख दीजिएगा ट्रांजैक्शन नंबर वन संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बिजनेस शुरू किया अब ये बताओ कितना शुरू कर रहा है बताओ 1 लाख से कितना से बिजनेस शुरू हो रहा है 1 लाख से तो साहब एसेट्स में प्लस कर दिए 1 लाख क्या प्लस कर दिए बाबू साहब कैश प्लस कर दिए कैश प्लस कर दिए और कैपिटल में कैपिटल प्लस 1 लाख नो नीड टू राइट कैपिटल सिंपल मेथड से बनाने पहले सिखाने के लिए ठीक है लाइबिलिटी जीरो हो गया नंबर टू ट्रांजेक्शन सिंपल नंबर टू परचेज फर्नीचर फॉर कैश देन राइट हियर परचेज फर्नीचर फॉर कैश कैश में खरीदें बढ़िया कैश में खरीदें ना फर्नीचर तो साहब आपके पास से माइनस हो गया कितना 5000 क्या माइनस हो गया कैश और आपके पास ठीक 5000 का क्या आ गया फर्नीचर आ गया साहब ये भी जीरो
अब दो ट्रांजिशन हो गया, अब न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। ये देखिए दोस्त, ऐसे कर दीजिएगा, यहां न्यू क्वेश्चन लिख दीजिएगा, न्यू क्वेश्चन साहब 1 लाख जीरो प्लस माइनस फिर कितना 1 लाख। सही बात है, फर्नीचर खरीद के लाएंगे तो बिजनेस के एसेट्स कम सेम टू सेम ही रहेगा। पूछे क्यों? क्योंकि जितना का कैश जाएगा ठीक उतना का फर्नीचर आपके पास आएगा, जैसे पहले थे आज भी वो सही है। सिर्फ अंतर क्या है, उतना का कैश माइनस हो गया, उतना का एसेट्स आ गया। कैश बैलेंस कम हुआ है तो आपके पास एसेट्स भी तो आया है। नेट वैल्यू सेम है, नेट वैल्यू सेम है, अंतर क्या है कि पहले कैश के रूप में पूरा था आपके पास, अब वो क्या हो गया, कैश वाला थोड़ा फर्नीचर बन गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्त, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज कर रहे हैं, नंबर थ्री खूब अच्छे से लिख दीजिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश कितना का सामान खरीदे, 20,000 का। देख लीजिए गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो फिर वही बात, फिर माइनस 20,000 हम लोग के पास चला गया, क्या चला गया बताइए, कैश चला गया, क्या चला गया, कैश गया। ठीक, 20,000 का स्टॉक हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, स्टॉक आ गया 20,000 का। ये साहब जीरो। अब ये देखिए, ये देखिए नी क्वेश्चन, न्यू इक्वेशन सर, क्या न्यू इक्वेशन, 1 लाख जीरो, अभी भी 1 लाख। आ रही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ रही है। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उधारी में परचेज कर रहे हैं, ठीक है परचेस कीजिए आप, ये देखिए अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सबट्रैक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उधारी में खरीदे साहब कितना, 36,000 का, 36,000 का। तो साहब हमारे पास 36,000 का क्या आया, स्टॉक आया, लिख दिए स्टॉक, स्टॉक लिख दिया और उधारी खरीदे है ना, पैसा तो गया नहीं साहब, कर्ज आ गया, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो लायबिलिटी में प्लस लिख देंगे 36,000। क्या यार राकेश सर, तो क्रेडिटर आया, क्या यार राकेश सर, क्रेडिटर आया। अब ये देखो क्रेडिटर आया, न्यू इक्वेशन ऐसे कर देंगे, न्यू इक्वेशन
नी इक्वेशन। साहब जी 1,36,000 1,36,000 क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, फिर रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड किए, पेड रेंट 700, तो माइनस 700 क्या चला गया सर, कैश चला गया सर, क्या चला गया, कैश चला गया सर। कैश माइनस हो गया और एक्सपेंस है ना, तो 7 यहां से माइनस हुआ, क्या माइनस हुआ सर, 7,000 एक्सपेंस, लायबिलिटी जीरो। अब न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन इसको लेस कीजिए, 1,35,300। नेक्स्ट अब ये देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन, क्लोज कर लेंगे साहब। ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। अच्छा, सामान बेचे हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट है जी, 20,000, तो 40,000 का 10% 4,000 होता है, 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो 20% 8,000 होगा, यानी आप 40,000 का स्टॉक बेचे तो माइनस 40,000 क्या चला गया आपके पास से, स्टॉक चला गया ठीक, आपके पास 48,000 कैश आया, क्या आया बताओ, 48,000 आपके पास कैश आया, क्लियर। हां सर, बढ़िया। और लायबिलिटी कुछ नहीं, और 8,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपका कैपिटल इंक्रीज करा दिया, क्या हुआ राकेश सर, प्रॉफिट हुआ सर, हो गया। साहब जी लास्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन सही है, 1,07,300 साहब 36,000 साहब, ये प्लस ये माइनस, तो 8,000 ऐड कर दीजिए, 1,43,300 क्लियर, 1,43,300 क्लियर। हां सर सही तो है, कोई डाउट नहीं सर, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, आप क्वेश्चन को देख लीजिए,
राइट, एसेट्स कैश दिया हुआ, फर्नीचर अलग अलग करके दिया हुआ एनालिटिकल मेथड से, लाइब्रेरी ठीक है 36,000, कैपिटल ठीक है 1,07,300, सही है। अब ये देखो, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमें, क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। फिर से एक बार समझा देते हैं साहब, देख लो फिर से एक बार देख लो, बिजनेस स्टार्ट किए राइट, संदीप मिश्रा बिजनेस विद कैश, कैपिटल बढ़ा दिए, एसेट्स में कैश बढ़ा दिए, परचेस फर्नीचर, फर्नीचर खरीदेंगे तो एक एसेट आएगा दूसरा एसेट जाएगा, एक एसेट्स आया दूसरा एसेट्स गया, फिर गुड्स कर दे सेम, एक एसिट आया दूसरा एसिट्स गया, फिर उधारी में कर दे एसिट्स आया लायबिलिटी इंक्रीज किया, फिर रेंट पेड किए कैश गया कैपिटल गया, फिर सामान गुड्स को सोल्ड किए प्रॉफिट में, द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो साहब गुड्स गया फॉर कैश है, कैश आया तो गुड जितना जा रहा है उसमें प्रॉफिट जोड़ के कैश में आ रहा है, फायदा हो रहा है, तो गुड्स गया प्रॉफिट जोड़कर कैश आया कैपिटल इंक्रीज कर गया। आई बात समझ में, चेक कर लीजिए साहब, चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, चेक भी करना जरूरी है, चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल इक्वल टू 1,07,300, साहब लायबिलिटी दिया हुआ है 36,000, ऐड करके एसेट्स के बराबर होना चाहिए, ऐड कर लेते हैं साहब, ऐड कर लेते हैं, किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स के बराबर होना चाहिए, 41, ये किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स के बराबर, सही है, हाँ सर राइट। तो कर फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड से, ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, टिल विश यू गुड टाइम।